इसे बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सॉरी, मेरा कमरा जरा थोड़ा सा मेस्ड अप है, तो ज्यादा ना कहते हुए अभी जरा बाहर की तरफ आपको ले चलता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो बर्फ गिरने की संभावना बढ़ चुकी है जिस प्रकार से। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो आसपास के पहाड़ों में बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुकी है। ये तो पैक है, और रही बात परे की, परे भी तो शायद भगवान की कृपा रही तो बर्फ जरूर पड़ेगी। तो गाइस इस एपिसोड 3 में आ ओ भाई बढ़िया गाइस, एज यूजुअल तेल डालते हुए, और अभी बस अब मेरे पास से ब्लैक में ले लो जिसमें तेल लेना था, 5-5 कर रहे हैं कपड़े में। हेलो छोटे भाई, गाइस आपने आपकी सारी ब्यूटी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि बर्फ पड़े, बारिश का भी बहुत वो था, लेकिन भगवान कुछ कृपा नहीं बन रही है, तो जल्दी जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ से कुछ मैं ड्राइव करूँगा और देखते हैं, आप आगे बने रहो हमारे साथ, बस ऐसी है। तो गाइस अभी बस हम यहाँ से नीचे को उतर रहे हैं, और हम जो है अपना मतलब जो हमें काम था वो हमने ख़त्म कर दिया है, एंड उसके बाद अब हम यहीं से नीचे को जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और क्या हम भी मन से इच्छा तो लेकर निकले थे कि ब्लॉगर बनेंगे, और एक वीडियो क्रिएटर बनने की भी इच्छा है, और कंटेंट क्रिएटर तो हम हैं ही आपके लिए, ठीक है। तो वैसे मेरे साथ है रितेश एंड सक्षम और टू। तो गाइस मेरे साथ है अखिल शर्मा। तो गाइस अभी हम आज है क्या तारीख है, आज तारीख भूल गया मैं, तारीख के 25 मिनट, आज है 28 जनवरी, और 12:30 मतलब टाइम होने लग रहा है। तो ऐसे आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं हलान आया था, तो आज भी हम हलान आए हैं, लेकिन यहाँ पे आज कुछ काम है, यू नो मेरे एक दोस्त का काम है, तो हम उसके मैटर में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ है, पड़ी है, तो उसी के मौके पे शायद बर्फ देखने जा सकते हैं, तो आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ ऊपर को। वैसे हम बीच रास्ते में पहुँच चुके हैं, तो वैसे मैंने ना अभी ब्लॉग्स में जो है शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, वो हमारा एक चंद्रखणी की ट्रिप थी जो हमने 2020 में की थी, ट्रैक किया था, बहुत ही अच्छा ट्रैक था वो, लेकिन आप सभी से दरख्वास्त है कि उसको भी शेयर करें, और जो ये ब्लॉग है इसको भी शेयर करें। वैसे ये अभी बहुत दिनों से ये ब्लॉग शूट ही हो रहा है, क्योंकि कुछ मिलता नहीं था, तो आज ऐसे घूमने निकला हूँ तो सोचा क्यों ना बना लूँ, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं हमारी भी लाइफ की लाइफ स्टोरी, हमारी लाइफ जर्नी जो भी ये चली हुई है, ठीक है। तो बस चलो हमारे साथ और देखते आगे क्या होता है, ठीक है। ए ए ए ए देखो गाइज, लापरवाही का नतीजा, बंद गाड़ी में ब्रेक और क्लच दोनों प्रेस हो रहे हैं बेफालतू में, बब्बू बने हुए हैं। गाइज अभी हम यहाँ से ऑन द वे हैं हलान के लिए, आपको शायद अभी आने मतलब आगे जो वीडियो में है बर्फ भी दिखेगी, सब कुछ होगा अच्छे ढंग से, और जितने भी लोग जन मेरे साथ जा रहे हैं उनसे भी इंस्टाग्राम आईडीज डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर सकते हो, आराम आराम से शेयर करो। वैसे ये गाड़ी में जो आपको कड़कड़ आवाज आ रही है ना, ये थोड़ी सी इस साइड का एक्सल जाने वाला गाड़ी का आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है, तो हम
कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मुझे कौन सा एक्सेल अपने सेंटर में बनाना चाहिए। ये 2010 मॉडल है, अगर कोई इंटरेस्टेड है गाड़ियों के बारे में तो अपनी गाड़ी का रिव्यू भी आपको दूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए बात करता हूँ, आपका व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो गाइस बढ़िया एकदम सेक्सी पॉइंट ऑफ व्यू। आगे दो टिपर टूपर चले हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग हर जगह होनी चाहिए, बढ़िया एकदम। वैसे आपको जो है यहाँ पर बहुत ऑफ रोडिंग करने को भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, गाड़ी में भी बाइक में भी बहुत लोग करते भी हैं यहाँ पे। तो बस बढ़िया रोड है, थोड़ा बर्फ गिरनी चाहिए ऊपर, बस यहाँ पर पड़ती भी रहती है गाइस। तो बस गाइस अब हम यहाँ से ऑफ रोड करके आपको थोड़ा दिखाएंगे, लेट्स गो। भी हम वैसे ना आजकल क्या है कि थोड़ी सी सर्दियों में आपको पता होगा बाल नहीं काटे जाते हैं, वो क्या व्यू आ रहा है देखो वाला पर से। हाय 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 क्या बात है, जन्नत में हम गाइस, जन्नत में, जन्नत बोलते भाई दोस्तों। वैसे नगर से जो हलान है वो आई थिंक नगर से हलान है शायद 8 से 10 किलोमीटर इतना होगा मेरे ख्याल से, पर बस जाती है यहाँ पे और सरकारी बस से जाती है, प्राइवेट होता नहीं उतना, और रोड भी एकदम मतलब ठीक है, कहीं कहीं पे पैचेस हैं लेकिन ठीक है सब कुछ। वैसे चलाने वाले को ये पता चलता है, लेकिन बर्फ भी देख सकते हो अभी भी है यहाँ पे। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। ओके कैमरामैन अश्विन के साथ आर्यन सेन। तो गाइज ये छोटा सा पार्ट आपको अगर अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो में जो भी है, सॉरी गाइज अभी पिछला शॉट आपने देखा होगा जिसमें मैंने चंद्रकणी टॉप दिखाया था, तो आप यहाँ से दिखाता हूँ आपको चंद्रकणी टॉप कहाँ पे है, यहाँ से दिखता भी है, ये दिख रहा है आपको वो वाला पर्रे वाला पहाड़, वो चंद्रकणी टॉप है, ठीक है। तो अभी बर्फ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़िया एकदम। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें, और यहाँ पर भी 2 वीडियो आपको दिख रही होगी आप उन्हें भी देखिए। वैसे तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ और मास्क मुस्क लगाया करो, ठीक है, ओके बाय बाय, और मास्क मुस्क लगाया करो, ठीक है, ओके बाय बाय। मैं भी लगाता हूँ, बस मैं कैमरे टाइम खोल देता हूँ, बाकी मैं लगाता हूँ, ठीक है। चल 3 2 1 मत बोला ना, पत्थर मारूंगा गाइस, देखो लगा लड़ने गाइस। चलिए ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।